हवन की लकड़ी बिना छाल की या कीड़े लगी हुई नहीं होनी चाहिए। हवन में एक अंगूठे से अधिक मोटी समिधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवन की समिधा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही आहुति देनी चाहिए, पहले नहीं। यज्ञ में आहुति कैसे दी जाती है? अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति दी जाती है। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। हवन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? 5.25 सेर सामग्री का प्रमाण, चावल 1.5 किलो, घी 1 किलो, जौ 1.5 किलो, तिल 2 किलो, बूरा तथा सामग्री श्रद्धा के अनुसार। अगर, तग, नागर मोथा, बाड़छड़, छारछबीला, कपूर कचरी, भोजपत्र, इन जौ, सितावर, सफेद चंदन प्रत्येक 1 रुपए का लेकर सामग्री में मिलावें। आम या ढाक की सूखी लकड़ी 20 किलो। घर पर हवन सामग्री कैसे बनाए? 1/5 हवन सामग्री पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश गूल की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा ब्रमी, मुलेठी की जड़, कर्पूर, तिल, चावल, लोम, गाय का घी, गुग्गल, लोबार, इलायची, शक्कर, नवग्रह की लकड़ी, पंचमेवा, सूखा नारियल और गोला और जौ। आपको यह सब सामान सामान्य किराने की दुकान पर मिल जाएगा। क्या महिलाएं हवन कर सकती हैं? किसी हवन या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भी महिलाएं अकेले मुख्य यजमान नहीं बनती। उनके साथ उनके पति का होना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों में इसकी मनाही है। हवन करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? हवन के मंत्र ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु में नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हवन में कौन कौन सी लकड़ी लगती है? हवन में आमतौर पर समिधा जलने वाली लकड़ी के रूप में आम की लकड़ी सर्वमान्य है, लेकिन अन्य समिधाएं भी विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं। सूर्य की समिधा मदार की होनी चाहिए, मदार रोग का नाश करती है। घर में हवन कब करना चाहिए? धार्मिक मान्यता है कि संधिकाल पर हवन करना अति शुभ लाभदायी होता है। संधिकाल का समय अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट पर होती है। इस प्रकार हवन करने का शुभ मुहूर्त शाम को 7:42 से रात 8:07 तक का है। व्रती को चाहिए कि वे इस समय हवन करें। घर में हवन करवाने से क्या होता है? ऋग्वेद के अनुसार हवन करवाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इससे घर की पवित्रता बरकरार रहती है। हवन करवाने से प्रदूषण मुक्त होता है, वातावरण सेहत के लिए भी माना जाता है लाभदायक। घर में हवन करवाने से होती है आध्यात्मिक शुद्धता। हवन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का भी मिलता है फल। दैनिक हवन कैसे करें? हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियां या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें। हवन क्यों किया जाता है? हवन अथवा यज्ञ हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। वेदों में उल्लेख है कि देवताओं को भोजन अग्नि में दी गई आहुतियों से पहुंचता है। हवि, हव्य अथवा हविष्य वो पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, जो अग्नि में डाले जाते हैं। गणेश जी का हवन कैसे करें? पास ही तांबे का कलश कुछ जल डालकर रखें तथा गणेश जी के दाहिनी ओर गोघृत का दीपक जला दें व धूप इत्यादि से सुवासित करें। ध्यान करें आवाहन, आसन, पाद प्रक्षालन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक जल स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, सिंदूर, चंदन, इत्र, कुकू, हरिद्रा, अभ्र कबीर, गुलाल इत्यादि। गायत्री मंत्र से हवन कैसे करें? जप करते समय बंद नेत्रों से उगते हुए सूर्य का ध्यान करने से मंत्र जप का फल अधिक मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब पूरा होने के बाद शुद्ध हवन सामग्री या गाय के घी से गायत्री मंत्र की 24 या 108 आहुति का यज्ञ करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में स्वयं हवन कैसे करें? हवन की विधि। हवन करने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके तहत सबसे पहले प्रतिदिन की तरह पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करते हुए हवन कुंड में आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद हवन मंत्रों से आहुति देते हुए प्रारंभ करें, फिर नवग्रह के नाम या मंत्र से आहुति दें। हवन और यज्ञ में क्या अंतर है? हवन यज्ञ का छोटा रूप है।
किसी भी पूजा अथवा जप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। यज्ञ किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली आहुति है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को हवन कहते हैं। यज्ञ कैसे किया जाता है? जल सिंचन के बाद घृत की दो आघाराज्य व दो आज्य भाग आहुतियाँ दी जाती है। इसके बाद दैनिक यज्ञ की आहुतियाँ दी जाती है। प्रातः काल की 12 आहुतियाँ एवं सायं काल की भी 12 आहुतियाँ हैं। इनके बाद यज्ञकर्ता यजमान यदि अधिक आहुति देना चाहे तो गायत्री मंत्र को बोलकर देने का विधान है। हवन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन में अधिकतर आम की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है और जब आम की लकड़ियों को जलाया जाता है तो उनमें से एक लाभकारी गैस उत्पन्न होती है जिससे वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता है। आहुति कैसे दी जाती है? सप्तशती या नरवान मंत्र से जप करें। सप्तशती में प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा का उच्चारण करके आहुति दें। प्रथम से अंत अध्याय के अंत में पुष्प, सुपारी, पान, कमल गट्टा, लौंग 2 नग, छोटी इलायची 2 नग, गूगल व शहद की आहुति दें और 5 बार घी की आहुति दें। यह सब अध्याय के अंत की सामान्य विधि है। देव यज्ञ क्यों करना चाहिए? प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति में यज्ञ करना एक प्रमुख संस्कार था और प्राचीन वैदिक काल में मनुष्य 5 तरह के यज्ञ करता था। देव यज्ञ इन 5 प्रमुख यज्ञों में से एक यज्ञ था। शास्त्रों में कितने महायज्ञ बताए गए हैं? 5 महाभूत से ही मानव शरीर है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया गया है। क्या हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है? औषधीय युक्त हवन सामग्री से हवन यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होगा, वहीं वायरस का संक्रमण भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हवन में काम में ली जाने वाली जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियाँ, कपूर आदि के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर भागती हैं। गीता के अनुसार यज्ञ कितने प्रकार का है? यज्ञ के साधन विविध हैं, हव्य भी नानाविध हैं। यहाँ यज्ञ के 13 प्रकार गीता के 4वें अध्याय में बताए गए हैं जो पात्र भेद के अनुसार निम्नलिखित हैं। यज्ञ करने से क्या फायदा होता है? भारतीय संस्कृति में यज्ञों का आध्यात्मिक लाभ तो है ही, परंतु वैज्ञानिक स्तर पर भी अनेक लाभ बताए गए हैं। सहज, सरल और प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र नियमित करने से वातावरण की शुद्धि होती है। इतना ही नहीं, उसे करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। यज्ञ कब करना चाहिए? वार की गणना रविवार से तथा तिथि की गणना शुक्ल प्रतिपदा से करनी चाहिए। तदुपरांत ग्रह के मुख आहुति चक्र का विचार करना चाहिए। पर्यावरण शुद्धि के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? अग्निहोत्र यज्ञ की सबसे सरल वैदिक विधि है जो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करती है और व्यक्ति को भी अनुशासित बनाती है। युग प्रवर्तक माधव जी पोतदार ने इस वैदिक विधि को पुनर्जीवित किया है। संस्थान प्रबंधन ने बताया कि अग्निहोत्र का आयोजन वर्ष 1969 से लगातार किया जा रहा है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? अग्न्याध्येय तथा अग्निद के लिए अध्वर्यु के अलावा होत्री, मैत्रवरुण आदि 16 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। इनमें ब्रह्मा का महत्व सबसे अधिक होता था। यज्ञ कार्य में कहीं त्रुटि न हो तथा संपूर्ण यज्ञ विधि पूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो, इसका उत्तरदायित्व उसी पर होता था। वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञ होते थे? पर्जन्य यज्ञ। इन यज्ञों के अलावा विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, गणेश यज्ञ आदि किए जाते हैं। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। हवन में कितने प्रकार की लकड़ी लगती है? शास्त्रों में सूर्य की, समिधा मदार की, चंद्रमा की पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिरचिरा की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गूल की, शनि की शमी की, राहु दूर्वा की और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। क्या पीपल की लकड़ी से हवन कर सकते हैं? अगर आप गुरु ग्रह के लिए हवन करवाना चाहते हो तो हवन में पीपल के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करें, शुभ होगा। यदि आप शुक्र ग्रह के लिए हवन करवाना चाहते हो तो गुले की लकड़ी का इस्तेमाल करें, शुभ परिणाम मिलेगा। यज्ञ के मुख्य तत्व क्या है? दूध, घी और अग्नि और प्रकाश क्रमशः अनुभव और ज्ञान और विवेक और सत्य है और यज्ञ उनका एक सामंजस्य है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुँचाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं।
हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है।